हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अविनाश पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू अविनाश पटेल यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल कीबोर्ड के यूज़ के बारे में। तो आप लोग ने देखा होगा कि फ़ोन में फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सभी मैसेंजर है या तो फिर नोटपैड है, कहीं पे भी टाइपिंग करने के लिए आप लोग को कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी गूगल ने जो स्मार्ट कीबोर्ड लॉन्च किया है, जिसको जी बोर्ड बोलते हैं, तो उसके सारे फीचर्स के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि जी बोर्ड को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोग आसानी से जी बोर्ड को यूज़ कर पाओगे। तो अगर इस वीडियो को देखने जा रहे हो तो एक लाइक कर देना, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, जी बोर्ड का यूज़ करने के लिए हमें पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे जी बोर्ड टाइप करके सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोग जी बोर्ड को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लिखा है एनेबल इन सेटिंग्स, तो एनेबल इन सेटिंग्स पे हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड लिखा है, तो इसमें हम लोग जी बोर्ड को ऑन कर देंगे। और यहाँ पे इनपुट मेथड के लिए जी बोर्ड को यूज़ पे परमिशन दे देंगे। उसके बाद है स्टेप टू। स्टेप टू में सिलेक्ट इनपुट मेथड, इनपुट मेथड को सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को जी बोर्ड पे क्लिक करने का रहता है, तो हम लोग ने ऑलरेडी कर लिया है, तो हम लोग बैक जाएंगे। उसके बाद जी बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स आता है, सेटिंग्स में हम लोग को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग जितनी लैंग्वेज ऐड करेंगे उतनी लैंग्वेज हम लोग कीबोर्ड में यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे नीचे एडिट कीबोर्ड लिखा है, यहाँ पे हम लोग हिंदी इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ABC और उसके साइड में हिंदी है, ये सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे, उसका हिंदी कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कीबोर्ड सिलेक्ट करते हैं, गुजरात इंडिया, तो यहाँ पे भी ABC गुजराती सिलेक्ट करेंगे। डन। अभी फ़िलहाल हम लोग इतने ही कीबोर्ड सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फिलहाल मैं मेरा व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएप ओपन किया। अभी व्हाट्सएप में किसी ने मेरे पास मैसेज आया है कि गुड मॉर्निंग, तो ये गुड मॉर्निंग का अगर मैं रिप्लाई देना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये कीबोर्ड आ गया, ये पूरा जी बोर्ड है। तो जी बोर्ड में हम लोग फीचर्स देखते हैं। तो अगर मैं ये गुड मॉर्निंग लिखा है, इसको यहाँ पे जो इमोजी दिया है, इमोजी से भी मैं इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ दोस्तों? तो यहाँ पे मुझे सर्च बार में सर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही मैं गुड मॉर्निंग लिखूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़, बहुत सारे GIF सब कुछ आ जाएंगे। तो आप लोग इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करके भेज सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये गुड मॉर्निंग सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक करके भेज दिया, तो अभी ये चला गया। उसके बाद हम लोग दूसरा फीचर देखते हैं।
यहाँ पे इसका दूसरा फीचर है GIF, ये है GIF बराबर दोस्तों। तो ये GIF के बारे में हम लोग देखते हैं कि GIF का यूज़ कैसे करते हैं। तो GIF पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे साइड में ये सर्च GIF लिखा है, तो सर्च GIF में कुछ भी लिख के आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऊपर इंटरनेट कनेक्शन होगा फ़ोन में, तो यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्चेस भी दिखाता है, तो ये आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी हैप्पी वैलेंटाइंस डे सिलेक्ट करता हूँ, तो वैलेंटाइंस डे के जैसे सभी GIFs आप लोग को मिल जाएंगे, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ भी सेंड कर सकते हो। सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा और आपको सेंड कर देना पड़ेगा, तो सीधा आपके फ्रेंड के पास चला जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर में क्या है कि ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स, तो सेटिंग्स को हम लोग देख लेते हैं। सेटिंग्स में आप लोग यहाँ से जो पहला है लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस में क्या है कि लैंग्वेजेस पे हम लोग ने क्लिक किया और यहाँ पे नीचे जो एडेड कीबोर्ड लिखा है, तो एडेड कीबोर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करके उसका यूज़ कर सकते हो। आप जो भी लैंग्वेज यूज़ करना चाहो यहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग ने लैंग्वेज सिलेक्ट की, उसके बाद आप लोग कीबोर्ड में उसको यूज़ कर पाओगे। तो हम लोग अभी बैक चले जाते हैं। उसके बाद नीचे दिया है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में आप अलग अलग फीचर्स दिए हैं वो यूज़ कर सकते हो, तो अभी हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे थीम दिया है, तो थीम को अगर आप अलग अलग कलर वाली थीम यहाँ से चूज़ कर सकते हो और अलग अलग टाइप की थीम को डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने कीबोर्ड का इंटरफेस अमेजिंग बना सकते हो। उसके बाद ये टेक्स्ट करेक्शन है, तो टेक्स्ट करेक्शन के लिए भी आप लोग यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। तो अभी हम लोग बैक जाते हैं और दूसरे फीचर की बात करते हैं। अभी हमारा अगला बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो ये है, ये हमारा गूगल ट्रांसलेट का फीचर आया है। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसका यूज़ कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो पहले ऐसा हम लोग को परमिशन देनी पड़ेगी, द टेक्स्ट डेट यू टाइप इन टू द ट्रांसलेट बॉक्स विल बी सेंड टू गूगल फॉर ट्रांसलेशन, तो इस पे ओके करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने ओके किया तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग को जो लैंग्वेज में लिखना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे राइट साइड में जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए वो लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग इस लैंग्वेज को अदला बदली करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच में जो एरो दिया है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंग्लिश सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे हिंदी चाहिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो इंग्लिश का हिंदी कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे मैं हिंदी लैंग्वेज को ढूंढ के सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी मिल गई। अभी मैं यहाँ पे जो मेरे पास मैसेज आया उसको मैं ये हाउ आर यू लिखा है इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी मुझे ये यहाँ पे ऊपर क्या हाल है इसका डायरेक्ट हिंदी मिल गया। तो मैं मतलब अगर किसी के साथ नहीं जानता हूँ उस लैंग्वेज में भी बात कर सकता हूँ, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। अभी किसी ने आपको इंग्लिश में मैसेज किया होगा तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके उसको अच्छी तरह से बात कर सकते हो। जैसे कि आपको अभी हिंदी में मैसेज टाइप करके उसको इंग्लिश में भेजना हो तो यहाँ बीच में कर्सर एरो पे टिक करके आप हिंदी में लिख सकते हो। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ कैसे कैसे हो,
तो उसका ऑटोमेटिक इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। हाउ आर यू, मिल गया ना? तो ऐसे आप लोग उसको सेंड कर सकते हो। अभी हम लोग दूसरा एक अमेजिंग फीचर देखते हैं। ये फीचर आप लोग यूज़ ज़रूर कीजिएगा, जो है वॉइस टाइपिंग फीचर। तो वॉइस टाइपिंग फीचर में क्या है कि आप लोग किसी भी लाइन को बोल के उसको डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। आप लोग को टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वॉइस टाइपिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड फास्ट होना ज़रूरी है। तो मेरा अभी इंटरनेट स्लो है, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी आगे हम लोग देखते हैं, ये तीन डॉट दिए हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या है। तो अगर आप लोग तीन डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, कस्टमाइज़ करने के लिए खींचे ऐसा। तो यहाँ पे ठीक है पे क्लिक कर देने का। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे पहला दिया है थीम, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अपने कीबोर्ड की थीम चेंज कर सकते हो। उसके बाद है क्लिपबोर्ड, तो ये क्लिपबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड चालू करें ऐसा लिखा है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप जो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे उसको कॉपी करके कभी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं लेख संपादन। तो ये लेख संपादन में क्या है कि आप लोग ने कुछ भी लिखा है तो उसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये हाउ आर यू लिखा है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं इसे लेफ़्ट साइड में इसको एरो को दबाऊँगा तो लेफ़्ट साइड तक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे राइट वाला करूँगा तो राइट साइड भी सभी चुने ऐसा लिखा है, इस पर क्लिक करूँगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, काटे ऐसा लिखा है इस पर। तो ये भी एक यूज़फुल इसका फीचर है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ से नीचे जी बोर्ड शेयर करें लिखा है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग जी बोर्ड को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद है एक हाथ वाला, तो इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग का कीबोर्ड का इंटरफेस चेंज हो जाएगा, मतलब वन साइड हो जाएगा। तो मतलब एक हाथ से भी आप लोग किसी के साथ चैटिंग भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शंस दिए हैं उसकी बात करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से फुल कीबोर्ड आप लोग को दिखेगा। उसके बाद अगर आप लोग को फिर से कीबोर्ड चेंज करना हो तो यहाँ से आप लोग फिर से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये एरो दिया है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका कीबोर्ड लेफ़्ट साइड चला जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे एरो दिया था, इस पर क्लिक करोगे तो आप लोग इस कीबोर्ड का एरिया सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बीच में रखा तो अभी बीच में आ जाएगा कीबोर्ड। और अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरा फुल कीबोर्ड आ जाएगा, बराबर। अभी हम लोग इसका एक दूसरा फीचर देखते हैं, ये शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की ये देख लो, ये शिफ्ट की है। अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये डायरेक्ट हाउ आर यू लिखा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी ये हाउ आर यू है, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं हम लोग। इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया। अभी शिफ्ट की पे जैसे प्रेस करेंगे अभी ये सभी वर्ड्स का पहला फॉन्ट कैपिटल हो गया। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे, पूरा सेंटेंस ही कैपिटल में हो गया। तो आप लोग यहाँ से इस पे शिफ्ट की पे क्लिक करके कैसे भी टेक्स्ट बना के सेंड कर सकते हो। तो ये एक अमेजिंग फीचर है। उसके बाद है यहाँ पे ग्लोब दिया है, ग्लोब में आप लोग को दिखा देता हूँ। ये ग्लोब, तो ये ग्लोब पे आप लोग जब भी ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितनी भी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करके रखी है कीबोर्ड में, ये पूरी लैंग्वेजेस आप लोग को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग कीबोर्ड की लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद
यहाँ पे एक इमोजी वाला आइकॉन है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे की को लॉन्ग की प्रेस करेंगे तो आप लोग को ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट में आप लोग लेफ्ट साइड में देखते हो तो वन साइड वन हैंड कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, बीच में इमोजी का मिलेगा और साइड में सेटिंग का मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट इमोजी को भी यूज़ कर सकते हो और फ्रेंड को सेंड कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने किया तो ऐसा मुझे मिल गया। अभी हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है तो हम लोग बैक जाते हैं। अभी यहाँ पे जो बीच में ये सब दिया है जो स्पेस का बटन, तो स्पेस का बटन है, यहाँ से आप लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे कि लॉन्ग की प्रेस करोगे तो आप लोग को ये सब लैंग्वेज मिल जाएगी और यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं हिंदी भारत करता हूँ तो हिंदी में आ जाएगी लैंग्वेज। और इसका दूसरा भी एक फीचर है कि आप ग्लाइडिंग टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आई लिखना चाहता हूँ तो ऐसे ऐसे करके आई लिख सकता हूँ, देखा ना। देखो आई मैंने लिख के दिखा दी, आई आई लिख दिया ना। तो ऐसे आप लोग भी यहाँ ग्लाइडिंग टाइपिंग मतलब अपनी फिंगर को जो अपना जो फॉन्ट दिया है फॉन्ट टू फॉन्ट यहाँ पे ऐसे घुमाना पड़ेगा तभी आप लोग लिख पाओगे। और इसका दूसरा फीचर है कि ये जो कीबोर्ड है इसमें ये मैंने ट्रांसलेशन वाला बोला तो यहाँ पे भी आप ये वॉइस वाला जो फीचर है वॉइस वाला फीचर से भी आप लोग यहाँ पे अगर हिंदी में बोलेंगे, यहाँ पे हिंदी लिखा है तो हिंदी में बोलेंगे तो यहाँ पे जो मैसेज टाइप होगा वो मैसेज इंग्लिश में टाइप होगा। तो आप लोग सीधा अपने फ्रेंड को इंग्लिश में भी मैसेज भेज सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी फिर भी आप लोग हिंदी में बोलकर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना ताकि उस लोग को ये कीबोर्ड यूज़ करना आसानी से आ सके। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली बार। चलिए धन्यवाद।